कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो आज हम पढ़ेंगे पेइंग फॉर ट्रैवल अब देखो जब भी हम ट्रैवल करते हैं ठीक है जब भी हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं एंड इफ यू आर यूजिंग सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेट से आप क्या बसेस यूज़ कर रहे हैं आप शिप्स यूज़ कर रहे हैं आप फेरी यूज़ कर रहे हैं कार यूज़ कर रहे हैं आपको एक पे आपको एक प्राइस पे करना पड़ता है राइट तो हम कुछ प्राइस पे करते हैं उसी चीज़ की हम आज इधर बात करेंगे सो so, कई बार हम क्या खुद से प्राइस पे करते हैं लेट्स से अगर हम अपनी खुद की गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो जो भी फ्यूल है उसके लिए हम पे करते हैं या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं जैसे बसेस हो गए ठीक है तो हम बसेस को पे करते हैं राइट सो वी पे फॉर ट्रैवल राइट सो इन दिस चैप्टर विल सी अबाउट मनी दैट इज इन्वॉल्व वाइल्ड ट्रैवलिंग एंड वट आर द ट्रैवलिंग प्लेसेस Okay, what are the different travelling places? So travelling means moving from one place to the another. It can be done for various reasons to go to the workplace or an educational institution, to meet a relative or a friend, or for an excursion. We need means of transport for travelling. We have always to pay something for service a transport vehicle gives us. Be it private or public transport, it costs us in a way or other. We need certain amount of money to buy a private vehicle. Beside this, we have to meet the expense on its maintenance, as well as on its fuel consumption. In case of public transport, we have to pay a certain amount of money in the form of fare. This is known as a system called pay as you go. It implies paying for a travel just because you use it. Rather than paying फॉर इट लेटर तो ट्रैवलिंग बेसिकली सबसे पहले क्या होता है ट्रैवलिंग मतलब आप जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हो इस चीज को हम क्या बोलते हैं ट्रैवलिंग राइट तो आप ट्रैवलिंग बहुत डिफरेंट रीजन से कर सकते हो. हो सकता है आप अपने स्कूल जा रहे हो ठीक है आप अपने वर्क प्लेस पर जा रहे हो जहाँ पे आप जॉब करते हो आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं या फिर आप फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो ठीक है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमें जाने के लिए डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए ठीक है हो सकता है अगर आप पास जा रहे हैं तो आप बाइसिकल यूज़ करें कार यूज़ कर सकते हैं मेट्रो यूज कर सकते हैं बहुत दूर जा रहे हैं तो हमें प्लेन भी यूज़ करना पड़ सकता है तो ये जो डिफरेंट मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के ठीक है इसमें क्या होता है आप एक ट्रांजेक्शन होता है ठीक है अगर आप कुछ सर्विस यूज कर रहे हो तो आप उसके लिए कुछ पे करोगे राइट अब जैसे अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर हम बाइसिकल भी चला रहे हैं राइट तो उसके लिए हम क्या पे कर रहे हैं हम अपनी बॉडी की जो एनर्जी उसमें लगा रहे हैं दैट इज अ फ्यूल राइट अब अगर हम बात करें कि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स होते हैं जैसे खुद के पास जो हमारे ट्रांसपोर्ट है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बसेज हो गया उसमें हम कुछ पे करते हैं तो दस एन अमाउंट दैट वी पे फॉर ट्रैवल इसको हम क्या बोलते हैं पे एज यू गो ठीक है जब आप जाओ तो आप पे करो राइट व्हीकल्स रन ऑन फ्यूल फ्यूल इज एक्सपेंसिव सो प्रेफर वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंसेज यू कैन कारपूल विद योर फ्रेंड और यू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इट सेवस फ्यूल एंड मनी तो देखो अब जो कोई भी व्हीकल है वो कैसे फ्यूल पर चलता है एंड फ्यूल इज़ एक्सपेंसिव राइट सो इधर वी कैन प्रेफर गोइंग बाय वॉकिंग टू दू शॉर्ट डिस्टेंसेज और वी कैन कारपूल मतलब कारपूल का मतलब क्या अपने दोस्त अगर आप साथ में कई लोग जा रहे हो तो एक ही व्हीकल यूज कर लियो राइट तो दिस वी कैन डू टू सेव मनी एंड फ्यू राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वॉट वी पे वाइल वी ट्रैवल राइट इन आर केस वी पे मनी राइट सो वी पे मनी फॉर ट्रैवलिंग मनी दैट वी यूज इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक कॉइंस एंड करंसी नोट्स कॉइंस ऑफ आर करंसी आर मैनुफैक्चर्ड इन द मिंट द कॉइंस हैव द नेशनल एम्बल ऑन वन साइड and इट्स denomination एंड ईयर ऑफ issue ऑन द अदर साइड द smallest unit ऑफ मनी इज इन our कंट्री इज अ paisa. वन rupee हैज़ हंड्रेड paisa. सो अब जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम क्या करते हैं मनी पे करते हैं ट्रैवल करने के लिए राइट तो जो भी कंट्री की करेंसी होती है उसको हम एक्सचेंज करते हैं फॉर एग्जाम्पल सो इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आर कंट्री इंडिया राइट तो हमारे यहाँ पे करेंसी क्या है रुपीज ओके So we have 1 rupee, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, and so on, right? Or rupee sevi Right? So one rupee has how much? 100 pesa. Alright. You know, study of coins is called pneumo, numismatics, okay? And the new symbol, which is what? This one. Right? Is used for our currency was designed by D Uday Kumar of IIT Mumbai all right now let's move to the next page all the currency notes are signed by the governor of RBI Reserve Bank of India in Hindi and English both one face on one face of the currency note the value of the note is printed with a unique code number at the right hand corner and left hand corner No two notes have the same number. The latest issued currency notes have same slanted black lines embossed on the face of the note on both right and left sides. तो so, जो भी currency notes होते हैं, जैसे हम 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपीस, right? इसमें क्या होता है? सब में governor of India RBI का sign होता है, right? हर एक particular जो note होता है, उसमें क्या होता है? एक उसका unique number होता है। यूनिक कोड नंबर होता है जो किसी भी और नंबर से मैच नहीं होता राइट हर एक नोट का अपना एक नंबर होता है नाउ ऑन वन ऑफ़ ऑफ़ द द फेसेस करेंसी नोट वी हैव पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी द फादर ऑफ आर नेशन ऑन द राइट साइड एंड द नेशनल एम्बल ऑन द लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होता है हम देखते हैं महात्मा गांधी की फोटो है द फादर ऑफ आर नेशन और राइट right साइड में क्या है नेशनल एम्बल दिस वन राइट ऑन द अदर फेस अलॉन्ग डिनोमिनेशन ऑफ द नोट वी कैन सी द वैल्यू ऑफ द नोट रिटर्न इन वर्ड्स इन मेनी लैंग्वेजेस इट इज अ सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी इन डाइवर्सिटी कैन यू रीड एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर ऑन अ नोट अब देखो साथ ही में क्या होता है जब इसको उल्टा टर्न करोगे तो लेट्स से जो टेन रुपीज है इसी को डिफरेंट डिफरेंट किस में लैंग्वेजेस में लिखा हुआ होगा हिंदी में इंग्लिश में इसके बैक साइड में सो दिस शोज द नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ आर कंट्री राइट कि हमारी कंट्री कितनी डाइवर्स है सो so, आप टर्न करके देखना कि आप कितने कितने इसमें से लैंग्वेजेज रीड कर सकते हैं राइट नाउ द रिजर्व बैंक इज इशूइंग करेंसी नोट्स विद महात्मा गांधी वाटर मार्क इट इज़ विजिबल वेन सीन इन लाइट अलॉन्ग विद हिज पोट्री this is a security thread also along the width of the note. it is a thin ribbon woven into the note. it prevents counterfeiting of the note. ab dekho ye jo notes hain isko koi inhi ki tarah bana bhi sakta hai right isko prevent karne ke liye humne kya kiya hai reserve bank of india ne watermarks मार्क्स दिए हैं जैसे जो गांधी जी हैं अगर हम उसको नोट को लाइट के अगेंस्ट में देखें तो हमें उनका क्या बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट दिखता है ठीक है साथ ही साथ ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये क्या होता है एक ये एक थ्रेड होता है सिक्योरिटी थ्रेड जिसको नोट बनाते समय इसमें वीव किया हुआ है राइट तो इस तरीके से जो डबल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं कई बार गलत तरीके से वो बचा जा सकता है यू नो रुपी वॉज द करेंसी ऑफ मेनी कंट्रीज इन अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी रुपी केवल इंडिया में यूज नहीं होता था बाहर बहुत सारी कंट्रीज में यूज होता था पहले वन रुपी नोट वर बाय फाइनेंस मिनिस्टर विद द दिक्रेटरीज सिग्नेचर वन रुपी का भी क्या नोट इशू किया गया था और उस पर किसका सिक्रेटरी का सिग्नेचर था नाउ लेट्स सी व्हेन वी ट्रेवल टू प्लेसेस राइट व्हेन वी ट्रेवल टू प्लेसेस सो सॉमे वेंट फॉर एन इंटर स्टेट इवेंट वेर शी गट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ आर कंट्री she made many friends and learnt about their native towns let us read about some of them so revati the girl from jharkhand so Revti lives in jharkhand its capital is ranchi it lies in east of india in the chota nagpur plateau it is known for its water flow waterfalls temples of paranath hills and elephants and tigers of betla national park अब सौम्या जब अपने इंटर स्टेट की लग गई तो उसे अपॉर्चुनिटी मिली बहुत सारे लोगों से मिलने की उसमें से उन्होंने कुछ फ्रेंड्स बनाए तो रेवती इज़ हिज फ्रेंड शी इज़ फ्रॉम झारखंड और झारखंड का कैपिटल क्या है रांची राइट right? इंडिया के जो छोटा नागपुर प्लेटो है उधर झारखंड सिचुएटेड है और वहाँ पे स्पेशली क्या है वाटरफॉल्स फॉल्स टेम्पल्स हिल्स एंड एलिफेंट्स एंड टाइगर्स आर वेरी पॉपुलर नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज झारखंड हैज़ बीन कट आउट फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ बिहार द नेटिव्स ट्राइबल्स आर सिंपल पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर द लिविंग सम ऑफ द ट्राइब्स आर मुंडा और गोंड एंड कोल दे स्पीक देयर ओन ट्राइबल लैंग्वेजेस व्हिच डिफर्स फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब झारखंड में क्या है झारखंड किस राइट साइड में क्या है बिल्कुल बिहार तो बिहार से कट हो थोड़ा झारखंड बनाए राइट इसमें बहुत सारे ट्राइबल्स के ट्राइब्स रहते हैं और जो ट्राइब्स होते हैं वो क्या डिपेंड करते हैं अपने लिविंग के लिए फॉरेस्ट पे ठीक है तो एग्जाम्पल क्या है जैसे मुंडा ट्राइब है और ट्राइब है गोंड ट्राइब है कोल ट्राइब है राइट और ये हर ट्राइब अपनी अलग अलग लैंग्वेज बोलती है और ट्राइब टू ट्राइब डिपेंड करता है यू नो स्टेट सिम्बल्स ऑफ झारखंड इज़ वॉट सो स्टेट एनिमल इज़ एलिफेंट स्टेट बर्ड इज़ कोल एंड स्टेट ट्री इज़ Saal and state flower is palash. Okay, you know, women wear half length sari, men wear short dhoti. Their staple diet is steamed rice, pulses, and vegetables. Jharkhand has a lot of mineral wealth. Some of its important cities are Sindri, Dhanbad, Bokaro, and Jamshedpur. Official language of Jharkhand is Hindi. Other popular languages are Urdu and Bengali. सो बेसिकली झारखंड जो है उसमें क्या है वुमेन्स कैसे हाफ लें साड़ी पहनते हैं राइट और मैंस दे वियर धोती उनका स्टेपल डाइट क्या है जैसे स्टीम राइस पल्स वेजिटेबल्स दीज आर स्टेपल डाइट वो डेली बेसिस पे रोज खाते हैं राइट अब झारखंड अभी हमने बात किया छोटा नागपुर प्लेटो पे सिचुएटेड है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिनरल वेल्थ है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स वहाँ मिलते हैं उनकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जैसे सिंदरी धनबाद बोकारो एंड जमशेदपुर और राइट झारखंड में ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं बट साथ ही साथ वहां पे उर्दू और बंगाली भी बोली जाती है राइट सो व्हाट इज अ प्लेट्यू आर डिस्कसिंग अबाउट छोटा नागपुर प्लेट्यो राइट सो प्लेट्यो इज अ हाई इज एन एरिया ऑफ हाई लैंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड इट हैज अ फ्लैट एरिया रेज अबव द सराउंडिंग एरिया विद अ स्टीप स्लोप्स सदरन प्लेटो इज ऑल्सो कॉल्ड

तो सोचिए वो जो एक पूरा एरिया है झारखंड का वो किस पे सिचुएटेड है एक प्लेटियो पे ही सिचुएटेड है राइट वो वहाँ से एक माउंटेन की तरह उठाई ही हुआ है सो इट इज़ रेस्ड ओके जैसे जो सदन प्लेटियो है वो डिवाइडेड किससे है इंडिया को बेसिकली वो कैसे डिवाइड करे जैसे नर्मदा रिवर है उसको डिवाइड करती है दो हाफ में जैसे कि ये सदर्न प्लेटो और यहाँ से नर नर्मदा रिवर रही है ठीक है तो एक हो गया सेंट्रल हाईलैंड और एक हो गया डेखिन प्लेटो ऑल राइट नाउ टेंजिन सो दूसरी उनकी दोस्त कौन बनी टेंजिन द गर्ल फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश ओके टेंजिन बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश दैट लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इट्स कैपिटल इज ईटानगर ओके सो अरुणाचल प्रदेश मीन्स लैंड ऑफ डॉन

ऐसा क्यों बोलते हैं क्योंकि वहीं पे सबसे पहले जब सूरज उगता है तो सबसे पहले कहाँ पहुँचता है अरुणाचल प्रदेश राइट द रीजन इट इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ डॉन ओके ऑल्सो नोन एज ऑर्चिड स्टेट यहाँ पे ऑर्चिड बहुत होते हैं इसीलिए यहाँ पे ऑर्चिड इसको ऑर्चिड स्टेट बोलता है द लैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज मोस्टली माउंटेनियस विद द हिमालयन रीजन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लाइफ एंड माउंटेनस्ट ऑफ पीपल क्लाइम द माउंटेन्स ऑन फूट एंड यूज हॉर्सेज एंड म्यूल्स फॉर कैरिंग गोड्स एंड पीपल कैंगटो नेगी कंग संग एंड गोरचन पीक आर सम हाइएस्ट पीक इन द स्टेट अब यहाँ पे क्या है कि सिंस हिली एरियाज हैं मोस्टली हिली एरियाज हैं माउंटेन एरिया है तो यहाँ पे लोग कैसे फूट यूज़ करते हैं चलने के लिए क्लाइंब करने के लिए या फिर म्यूल्स हो गए है ना हॉर्सेज हो गए इनको भी यूज़ किया जाता है Sathi Me, Lang, Langwang, Zairo, and Yomcha are some places of tourist attraction. Trekking, hiking, boating, and rafting are the common activities here. Okay, now let's move to the next page. So, this state homes many tribes and sub tribes with their own languages, clothes, headgear, customs, and traditions. Adis, Monpos, दजलास एंड द मेजर ट्राइब्स पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर पीस लविंग एंड गुड एडमिनिस्ट्रेश दे मैरी विद इन देयर ओन ट्राइब शॉल्स स्कर्ट्स रैप्स लिंगीज आर वोन बाय द ट्राइबल्स दे लिव्स इन हाउसेज मेड ऑफ वुड बैम्बो केन्स एंड लीव्स जनरली हाउस आर बिल्डस बिल्ड ऑन स्टिल्स तो देखो इस एरिया में क्या है मोस्टली ट्राइब्स और सब ट्राइब्स हैं उनके अपने तरीके के ट्रेडिशन हैं उनकी खुद की लैंग्वेजेस हैं क्लोथ्स हैं हेड गियर्स वो पहनते हैं ठीक है थीके? तो उनका एक अपना कल्चर है राइट डिफरेंट टाइप की ट्राइब्स हैं ठीक है डिफरेंट टाइप की ट्राइब्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे लोग कैसा शांति पसंद करते हैं शांति वाला वातावरण में पसंद करते हैं और अपने ही ट्राइब के अंदर ये लोग क्या मैरी करते हैं ठीक है अपने ही ट्राइब के अंदर मैरी करते हैं इनका पहनावा भी अलग है ठीक है, 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 है वहां के हिसाब से पहनावा इनका जैसे कि लुंगी है रैप स्कर्ट होती है ठीक है और वहीं पे जैसे क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट डिफरेंट है वहाँ का तो वहाँ के जो घर हैं वो भी डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं डिफरेंट मटीरियल से बनाए जाते हैं राइट नाउ द नेक्स्ट गर्ल इज गौरी द गर्ल फ्रॉम द उत्तर प्रदेश सो गौरी लिव्स इन अलाहाबाद इन उत्तराखंड शी It is a place where Ganga and Yamuna meet at Sangam. Lucknow is the capital of the state. Now, the plains are very fertile. The rivers flows down from the mountains, carry a lot of alluvium aliv with them, and deposit it on the plains, making them fertile. This place is good for agriculture. It is the most densely populated area. Abgori कहाँ uttarakhand se. उत्तराखंड से है. Allahabad right? ये एक वो प्लेस है जहाँ से गंगा और जो हमारी यमुना है वो मिलती है यहाँ पे ठीक है उनका संगम है और लखनऊ ही क्या है उनकी कैपिटल है उत्तर प्रदेश की और राइट सो जो उत्तर प्रदेश है जो उसका नदन प्लेन है ऊपर वाला हिस्सा बहुत फर्टाइल है एग्रीकल्चर के लिए ठीक है वहाँ से जो भी क्योंकि वहाँ से जब गंगा और यमुना बहती है तो वहाँ से डिपॉजिट्स आ जाते हैं ठीक है थीके? जो भी उसमें मिनरल्स हैं रिवर्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं और दैट्स द रीजन विच मेक्स द प्लेन फर्टाइल राइट बट साथ ही साथ ये रीजन क्या है सिंस प्लेन आता है तो ये एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी है सो वट आर अ प्लेन अभी हमने प्लेट्यू की बात की थी व्हाट आर प्लेन्स सो प्लेन इज अ वास्ट फ्लैट एरिया नदम प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स इन द वर्ल्ड प्लेन्स नियर द कोस्ट्स आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स India has eastern and western coastal plains on the east and west coast. Varanasi, Kanpur, Hardiwar and Agra are some of the important sites on the banks of a river of northern plains. All right. तो so, plateau तो हमने ऐसे देखा था, right? Plains क्या होता है? बहुत ही larger area पे क्या है? Flat surface है, right? तो हम उसको क्या बोलते हैं? Northern plains. ऐसे ही अगर coast के side में जो भी जगह है, plain है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? Coastal plains, right? वाराणसी कानपुर हरिद्वार रीजन आते हैं किसमें सब नॉर्दर्न प्लेन्स में वुमेन इन उत्तर प्रदेश वर वियर द ट्रेडिशनल साड़ी वाइल मैन वियर धोती कुर्ता कुर्ता पजामा एंड ट्राउजर्स विद शर्ट्स पीपल जनरली स्पीक हिंदी दे ईट राइस दाल चपाती वेजिटेबल्स एंड स्वीट्स ठीक है तो अपने एरिया के हिसाब से उनके ट्रेडिशन है लाइक यहाँ पे साड़ी वुमेन पहनती है मैन वियर धोती कुर्ता kurta or shirt right they speak hindi and eat normal ras rice dal chapati vegetables and different kinds of sweets next she met one of the boy from andaman and nicobar name paris so paris hails from andaman and nicobar islands and they are a group of island in a bay of bengal the capital of andaman is port blair and the nicobar is a car nicobar ओके, okay. सो so, जो पारस है वो कहाँ से है अंडमान निकोबार में है। जो हमारे कहाँ पड़ता है इंडिया के जो बे ऑफ बंगाल है नीचे राइट right? साउथ में जो सी है बे ऑफ बंगाल उसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पड़ते हैं इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर राइट दीज आइलैंड्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स नाइनटी सिक्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नाइन नेशनल पार्कस एंड वन बाइस फे रिजर्व मेक दीज आईलैंड स्पेशल ऑन जीज एंड अंडमानीज ट्राइब्स आर नेटिवस ऑफ अंडमान दे आर शॉर्ट ब्लैक पीपल हु आर हंटर गैदरस मैन वीयर लिनन क्लॉथ एंड वुमेन वियर लुंगीज एंड जैकेट्स तो यहाँ पर क्या है सिंस ये एक बिल्कुल अलग रीजन में जाके सिचुएटेड है राइट ऑलमोस्ट बाहर आसपास क्या होता है पानी है तो यहाँ पर लोग भी कम रहते हैं तो जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ठीक है नाइन्टी सिक्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनके पास नाइन नेशनल पार्क्स और वन बायोस्फीयर रिजर्व है साथ ही में यहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनका भी अलग तरीके से अपना क्या है पहनावा है तो जैसे यहाँ पे जो जनरली लोग होते हैं वो कैसे हैं शॉर्ट हैं और ब्लैक इन कलर हैं एट द सेम टाइम मैन वेयर लिन इन क्लॉथ लॉइन क्लोथ्स एंड वुमेन वियर लुंगीज एंड जैकेट्स ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज Houses are built on stilts in Nicobar. Coconut is a staple food and drink. People enjoy singing, dancing, and canoe racing. They travel by water or by air to reach the mainland. Soumya was amazed to know about the varied landforms, the eating habits, and the clothes people wear in our country. India has 28 states and eight union territories. With a vast variety of flora and fauna, it is very interesting to know about our country. अब देखो यहाँ पे क्या है निकोबार में अगेन स्टिल्स से घर बनाए जाते हैं ठीक है स्टिल्स के ऊपर घर बनाए जाते हैं जनरली वहाँ पे क्या कोकोनट यूज किया जाता है नॉर्मली पानी पीने के लिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं डांसिंग सिंगिंग केनॉय रेसिंग वहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है और अगर उनको कहीं भी ट्रैवल करना होता है तो लोग क्या करते हैं थ्रू एयर या फिर वाटर ही मूव करते हैं दे कैन नॉट मूव विद ंड ट्रांसपोर्ट you know, अगर उनको दूसरे जगह पर जाना है सो so, सौम्या जब इन सब लोगों से मिली तो बहुत ही खुश हुई देख के कि कितने डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं एट यूनियन टेरेटरीज और सबके डिफरेंट अपने फ्लोराफोना है सबका अपना कल्चर है नाओ आदि द बॉय फ्रॉम राजस्थान ओके आदि कम्स फ्राम द सैंडी एरिया ऑफ राजस्थान द थार डेजर्ट देर इज स्केरेसिटी ऑफ वाटर एज देर इज अ स्केरेसिटी ऑफ रेनफॉल देर इज अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड इन दिस एरिया कैमल इज़ द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट तो सौम्या फिर मिलती है आदि से जो कहाँ से है राजस्थान से सो राजस्थान के भी वो उस पर्टिकुलर एरिया से जो बहुत सैंडी है राइट जो डेजर्ट वाला एरिया है और उस एरिया को क्या बोलते हैं दार डेजर्ट राइट यहाँ पे ऑलरेडी क्या पानी की बहुत स्कैरसिटी है बिकॉज वहां पर जो रेनफॉल है वो भी कम होता है ठीक है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सैंड है इस एरिया में कैमल्स आर जनरली सीन एंड यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन सो डेजर्ट तो हम कैमल को क्या बोलते हैं द शिप ऑफ द डेजर्ट राइट क्योंकि वही हमें ट्रांसपोर्ट की तरह एक दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं राइट right? राजस्थान हैज़ बीन द लैंड ऑफ किंग्स इट इज नोन फॉर इट्स फोर्ट्स प्लेस एंड स्टोरीज ऑफ ब्रेव राज इट्स कैपिटल इज जयपुर द पिंक सिटी माउंट आबू इज इट्स ओनली हिल स्टेशन जोधपुर उदयपुर बीकानेर एन अजमेर आर द इम्पोर्टेंट साइट्स इन द स्टेट और यहाँ पे क्या है कि लैंड ऑफ किंग्स बोला जाता है राजस्थान को क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कौन थे राजा रहे हैं बहुत सारे फोर्ट्स है, हैं पैलेसेज हैं राइट जयपुर है इसकी क्या करंटली अभी और जयपुर को क्या बोला जाता है पिंक सिटी इसकी राजधानी राइट माउंट अबू एक हिल स्टेशन है यहाँ पे और मोस्टली जो कॉमन सिटीज हैं वो क्या हैं अजमेर बीकानेर उदयपुर एंड जयपुर हाफ ऑफ राजस्थान इज ड्राई विद रॉकी लैंड फॉर्म्स वाइल द अदर हाफ इज आर डेजर्ट एरिया हेयर द समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड द डेज आर वॉर्म एंड नाइट्स आर कोल्ड तो जो राजस्थान है उसमें क्या है आधा तो आपको देखोगे रॉकी लैंड है और आधा फिर डेजर्ट है सो so यहाँ पे पानी का कमी है ही राइट तो इसलिए जब समर्स होते हैं तो बहुत हॉट होता है और जो विंटर्स होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है राइट right? सो so अभी हम देखते हैं डेजर्ट क्या है राइट सो डेजर्ट इज़ अ बैरन एरिया विद वेरी लिटिल रेनफॉल डेजर्ट कैन बी कोल्ड लाइक एंटार्टिका एंड लद्दाख और हॉट लाइक थार डेजर्ट एंड अटकामा डेजर्ट तो जो डेजर्ट होते हो तो क्या बैरन एरिया विद वेरी लिटिल रेनफॉल ठीक है rainfall, ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी कुछ चीज उगाई नहीं जा सकती कोई भी वेजिटेशन नहीं है ठीक है बैरन एरिया है और वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल है सो so, जो डेजर्ट है इट कैन बी कोल्ड लाइक एंटार्टिका ठीक है ठंडे डेजर्ट्स भी होते हैं और बहुत हॉट डेजर्ट्स भी होते हैं लाइक द थार डेजर्ट पीपल ऑफ राजस्थान आर हार्ड वर्किंग एंड फन लविंग दे आर कलरफुल क्लोथ्स Men wear short dhoti and waistcoat with different styles of turban. Women wear ghagra, kanchli and odni with heavy ornaments. Rajasthan is famous for bikaneri bujia, ghevar, and dalbati churma. They entertain themselves with kat, katputli dance, puppet show, singing, and music, accompanied by musical instruments like dholak, sitar, sarangi. Ghadia lohars are nomadic blacksmiths. तो राजस्थान में क्या है कि अलग ही बहुत डिफरेंट कल्चर है दे वियर घाघरा चोली देर राइट ओढ़नी ओढ़ते हैं राइट मेंस वहाँ पे धोती वगैरह पहनते हैं वहाँ के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वुमेंस पहनते हैं राजस्थान में स्पेशली अगर दाल बाटी चूरमा बीकानेरी भुजिया दीज आर थिंग्स विच आर फेमस और एंटरटेनमेंट के लिए लो वो लोग कठपुतली डांस आपने पपेट शो देखा होगा लाइक like दिस राइट वो ऐसा करते हैं सिंगिंग म्यूजिक राइट ये सारी चीजें वो लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं और वहां के नॉमैडिक ब्लैक स्मिथ कौन है गढ़िया लोहार्स ओके नाउ लेट्स मूव टू लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न सो फार सो ट्रैवलिंग मींस मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी नीड टू पे टू ट्रैवल मनी इज अवेलेबल इन टू फॉर्म्स कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स The governor of RBI signs the currency notes. Different types of places have varied climates. People follow different eating and dressing patterns in different places. Hills have a cold climate, desert have a hot summers and very cold winters. Plains are fertile and good for growing crops. So, I hope you have understood this chapter. Aapko aaya hoga. So, based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.